नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। मैं आपको मिलवाऊंगा इस गाड़ी के ओनर से, जो कि अपना एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी के साथ वो शेयर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और क्या है माइलेज, ओवरऑल जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है वो आप सबको बताएंगे। मिलते हैं अमित कुमार शर्मा जी से, जो कि इस गाड़ी के ओनर। सो वेलकम सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू जी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कार। थैंक यू। तो ये कौन सा वेरियंट और आपको कितने ऑन रोड पड़ा? ये ट्रेवर का टॉप मॉडल है। हाँ जी। और ये जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट जो है 9 लाख रुपए की है। और ये हमने दिसंबर 2022 में खरीदा था। ओके। अभी तक इसको 5 महीने हो चुके हैं और तकरीबन गाड़ी की जो रनिंग है वो 6000 किलोमीटर हो चुकी है। मतलब काफ़ी चला लिया आपने पाँच महीनों में। हाँ, 5 से 6 हज़ार किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है। सो तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि जैसे आपने गाड़ी खरीद रहे थे तो काफ़ी टाइम आपने रिसर्च किया होगा, 9 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, तो किसी कोई कंपटीशन मतलब किया था किसी गाड़ी के साथ, किसी और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली हो या कोई और गाड़ी जो है सोची हो माइंड में? हाँ, हमने इनफैक्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 7 सीटर कार ही थी। तो उसके लिए जो मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर हैं, अर्टिगा है, XL6 है, ये गाड़ियाँ हमारे कंसिडरेशन में थी और कोई भी 5 सीटर कार हमें लेनी ही नहीं थी। तो पर उनकी वेटिंग पीरियड इतना था कि उनको वो मिल नहीं रही थी और हमें कार लेनी ही थी। तो अल्टीमेटली फिर हमने वो जो है ये ट्राइवर चूज़ की, हमने इसका टेस्ट ड्राइव किया तो हमने पाया कि ठीक है, इसका जो ओवरऑल जो रिव्यू जो हमने देखे वो काफ़ी ठीक थे। तो इस फिर उसी को देखते हुए फिर हमने इसको आगे प्रोसीड किया और हमने कार खरीदी। तो अभी 5 महीने हम इसको चला चुके हैं तो एज सच इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो सर, कुछ ऐसा आपने कि टॉप वेरियंट ही चूज़ किया, कोई नीचे वाला वेरियंट, रीज़न क्या रहा था? इनफैक्ट यू नो, अगर मैं इस कार के फीचर की बात करूं तो जो फीचर्स ये कार प्रोवाइड कर रही है टॉप सेगमेंट में, इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके। बिकॉज टॉप, अगर आप जा रहे हो, अगर आप अल्टिगा जैसी गाड़ी को टारगेट कर रहे हो तो फिर भी टॉप मॉडल उससे भी काफ़ी सस्ता है इसका। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्किप ना करें। दोस्तों, हमने देखा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत के साथ आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओवरऑल इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द फीचर्स गुड बजट, तो देर इज़ नो हार्म टू गो फॉर द टॉप मॉडल। तो सर, आपने जैसे 6000 चला चुके हैं तो आपकी माइलेज क्या रहती है? इसकी माइलेज जो है, अगर हम नॉन एसी की बात करें तो ये 18 का एवरेज निकाल देती है, और अगर एसी की बात करें तो इसका एवरेज जो है 16 से 17 के बीच में वैरी करता रहता है। और जब आप इसको चला रहे होते हैं हाईवे पे, फुली लोडेड होते हैं, तो आपको फील होता है कि जो पिकअप है उतनी अच्छी नहीं है, ओवरटेकिंग करते हुए इशू हो रहा है, कुछ ऐसा लगता है? अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 5 महीने के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। इससे पहले हम i10 चला रहे थे जो कि बड़ा इंजन था, 1.1 लीटर था, ये 1 लीटर इंजन है, बट एज सच ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि इसका पिकअप कम है। कोई सबसे अच्छी चीज़ जो आपको इस गाड़ी की लगी हो? सबसे अच्छा इस गाड़ी का है ये जो है, इसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट जो है, आई थिंक बड़ी से बड़ी कार कंपनियां भी स्पेस मैनेजमेंट इसका ऐसा नहीं कर सकती हैं। इनफैक्ट यू नो, जो पीछे की 2 सीट निकाल दीजिए आप, आपके पास इतना स्पेस आ जाता है कि आपको ये लगेगा कि आप कोई भी कार ले लीजिए, चाहे सेडान हो उसमें डिग्गी मिल जाती है आपको, चाहे SUV आपको बहुत बड़ी पीछे मिल जाता है, लेकिन अगर इसकी 2 सीट निकालने के बाद आपके पास इतना हेड स्पेस भी है कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक टॉवर के टॉवर ला के काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। इतना सामान किसी भी कार में आ ही नहीं सकता। मैंने देखा है आपको रखते हुए। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है इस गाड़ी का कि आप जितना मर्जी सामान रख लो, पीछे वाली सीट्स भी निकाल सकते हो और उसके बाद भी मतलब इतना ज़्यादा स्पेस बन जाता है कि आप कहीं भी कुछ भी सामान, बड़े बड़े कार्टून यहाँ पे गाड़ी में रख सकते हैं। हाई स्पीड पे कभी आपने कुछ ट्राई किया है 100+ की स्पीड? हाँ, 110 की स्पीड तक मैंने ट्राई किया है इसका। तो कैसी रहती है गाड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी कंट्रोल से बाहर नहीं होती? अच्छा, 110 तक, बट हमारा जो रनिंग है वो मॉडरेट रहता है, हम 90-100 के बीच में चलाते हैं। Okay. हमारी पहले भी कार थी वो हम वही रखते हैं अपनी लिमिट जो है, पर समटाइम्स कभी ओवरटेक कर रहे हैं तो 110 चला गया, बट अब ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और ऐसा है कुछ, बट बहुत डिसेंट है। अच्छी बात क्या है कि इसका मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, और मतलब एक अच्छे पैकेज में ये बहुत अच्छी कार है।
मेंटेनेंस की आपने बात करी है, तो अभी तक सर्विस इसकी अभी तक एक सर्विस हुई है, बट जैसा उन्होंने मुझे बताया है कि इसकी जो कॉस्ट आएगी सर्विसिंग की वो जो है तकरीबन 5000 के अराउंड ही आएगी। तो अगर मैं पुरानी और किसी कार से कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम है ये। ओके, और आपने गाड़ी के साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी की होगी कभी, या खड्डों में चलाई हो, तो कुछ ऐसा लगता है कि जो सस्पेंशन है, जो झटके हैं, वो ज़्यादा महसूस होते हैं या ओवरऑल बढ़िया? क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, इसमें जो व्हील का साइज है वो 1 इंच बड़ा है और टायर भी थोड़े चौड़े हैं इसके, तो काफ़ी रफ रोड्स पर भी हमने इसको चलाया, तो रफ रोड्स पर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट एक चीज़ है कि जब आप गाड़ी में रहते हो अंदर तो हल्का सा नॉइस रहता है गाड़ी में, क्योंकि थ्री सिलेंडर इंजन है इसका। बट वो अगर आप हाईवे पे चल रहे हो टॉप स्पीड में तो वो भी मतलब मिटिगेट हो जाता है, वो आपको केवल जो लोअर आपके जो गियर्स होते हैं उसी में फील होता है वो। तो जो नॉइस की बात कर रहे हो वो इंजन से भी होता है या रोड साइड नॉइस भी होता है? रोड साइड नॉइस नहीं होता, केवल इंजन का नॉइस होता है। इंजन का नॉइस होता है, वो उसका है इसका। ओके, पर जब आप टॉप मॉडल में चला रहे हैं तो वो नॉइस खत्म हो जाता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करूं वो कैसा है? सीटिंग कंफर्ट इज वेरी गुड, सभी सीट्स का, ड्राइवर और पीछे पैसेंजर सीट्स का, सारी की सीट जो है काफी कंफर्ट है। और इसमें मतलब आप इतना थकते नहीं है, इतना लंबा ड्राइव करने के बावजूद भी इसमें थकते नहीं है। तकरीबन हमने इसको 1 डे में तकरीबन 400 किलोमीटर का ड्राइव किया है, 400 to 500 पर मैक्सिमम चलाया अभी तक हमने, तो इसमें कोई हमें ऐसा कुछ डिस्कम्फर्ट और ड्राइव करने के बाद थकान ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है? ज़्यादातर लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है इतना टाइम गाड़ी चलाते हैं जो विंडोज़ वगैरह से कितनी हैवी है, कैसा क्वालिटी का यूज़ किया, वो कैसा लगा आपको? बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कुछ अगर आप अंदर से गाड़ी को खोलेंगे तो आपको कहीं पे स्क्रू जो है उसके कहीं पे बाहर दिखेंगे, जो कि दूसरी गाड़ी को छुपे रहते हैं। अच्छा, वो रहेगा। और मेरे को जो सब गाड़ी आगे से तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसका जो पीछे का जो बूट है वो थोड़ा सा मेरे को हल्का लगता है इसका। ओके, उसका जो हम जिसको ओपन करते हैं देन आई फील कि वो थोड़ा सा लाइट है एज कम्पेयर टू द फ्रंट। ओके, और एसी वगैरह की कूलिंग कैसे रहती है पूरे? एसी कूलिंग बहुत अच्छी है, अभी भी मैं ड्राइव करके अभी तुरंत ही आया हूँ, 42 डिग्री टेम्परेचर पे अभी मैं गया भी था दोपहर में, तब भी कोई खास ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफ़ी अच्छा फील हुआ, तो एसी में कोई दिक्कत नहीं है, एसी इज़ गुड। तो मतलब ओवरऑल पीछे का भी कैबिन में भी पूरा मतलब ठंडा रहता है एसी? हाँ, क्योंकि इसमें 3 वेंट्स है, इसमें मतलब वो फ्रंट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के लिए स्पेसिफिक उन्होंने डेडिकेटेड वेंट दे रखे हैं एसी के, तो जो भी बंदे पीछे बैठते हैं उनको भी ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ है कि गर्मी में गर्मी लग रही है या कुछ ऐसा है। एसी इज़ गुड। कोई डिस्काउंट मिला था आपको गाड़ी पे? हाँ, दिसंबर डिस्काउंट था और हमने अपनी गाड़ी एक्सचेंज भी करी थी, तो ये काफ़ी एक्सचेंज करने के बाद ये मतलब तकरीबन 1.25 लाख समय उसका डिस्काउंट आ गया था, बट दैट वॉज एन एक्सचेंज। ओके, बिना एक्सचेंज के कोई? बिना एक्सचेंज के इनका कुछ दिसंबर ऑफर था, वी वर गेटिंग अराउंड 40,000 के अराउंड कुछ मिल रहा था। और सर एक चीज़ पूछूं कि आपने मतलब अभी तक काफ़ी अच्छा बताया अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी से, कोई भी एक कमी लगी हो इस गाड़ी में? कमी केवल यही है कि इसका थोड़ा सा नॉइस का रहता है, और अगर आप हाईवे पर ड्राइव करो तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी 5-6 महीने हुए हैं, लॉन्ग टर्म में इसका क्या रहेगा, लेकिन एज सच मतलब वी आर सेटिस्फाइड विद दिस कार, और दूसरी बात क्या, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। ओके, हम पूरा 7 मेंबर हैं फैमिली में, वो सब लोग बैठ जाते हैं इजीली, इवन सामान भी इसमें 7 मेंबर्स के साथ सामान पूरा आ जाता है, सही एडजस्ट कर लेते हैं, बट वी हैव एन ऑप्शन टू टेक द रूफ टॉप, बट वो अभी हमने लिया नहीं ऑप्शन, तो वो ठीक है, हो जाता है मैनेज। सो एट द एंड मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप रिकमेंड करोगे व्यूअर्स को? हाँ बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, जो अगर जिनका बजट जो है इस रेंज में आता है, रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज़ है, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग इसको ले सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर अल्टीमेटली देर इज़ नो आई मीन लिमिट ऑफ द लग्जरी, दे कैन गो बियॉन्ड यू नो वट एवर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, सो अगर आप कोई बजट कार देख रहे हैं और फैमिली के लिए वो कर रहे हैं तो इट्स अ गुड पैकेज। ओके, सो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल, तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।